गाइस गुड मॉर्निंग। सो आप लोग सोच रहे हो कि रात को ड्रेस कुछ और पहनती हो, सुबह कुछ और पहनती हो। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई, आपको देख कर भी पता चल रहा होगा। देखो, और सुबह एक्चुअली में यहाँ पर ठंड है। हाँ, सुबह यहाँ पे ठंड है, सुबह की और शाम की है, मतलब लेट नाइट रात की। हम तो जल्दी आ गए, हम तो ब्रेक मतलब डिनर के बाद हम बाहर गए नहीं, हम रूम में है। और आप मानोगे नहीं, लिटरली मैं 10:30 बजे रात को रूम सो गई थी और वॉशरूम जाने के लिए मैं उठी और मुझे ऐसा लगा सुबह हो गई। और जब मैंने टाइम देखा, आप मानोगे क्या टाइम हो रहा था, सिर्फ 1 बज रहे थे, मतलब 10:30, 11:30, 12:30, 1। इतनी सी नींद में ही, इतनी ही तेज नींद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे बहुत सारा सो लूं, सुबह हो गई है। सो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। दीपू भी कह रहे एकदम मस्त नींद आई है। और अब हम लोग रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अभी नहाए नहीं, आकर नहा धोकर फ्रेश होंगे, फिर तभी चेंज करेंगे। फिर नीचे से मैं देखती हूँ, आज सफारी की बात करती हूँ कितना टाइम लगेगा, अगर हो सकती है तो अभी, अदरवाइज हम सुबह चेकआउट करके फिर सफारी करेंगे, फिर घर निकलेंगे। अभी देखते हैं कैसे टाइम के हिसाब से कैसे होता है। और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट का। वही सेम शॉर्ट ही बनाऊंगी, तो शॉर्ट ही देखो क्या क्या है आज। ठीक है, चलो थोड़े से लेट आएंगे बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा वाईफाई कनेक्शन नहीं था, वरना मैंने एडिट भी कर लिया था कितनी सारी शॉट्स। तो मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगी, बट वाईफाई नहीं है, नीचे होता है। अब नीचे मेरे को बैठना पड़ता है, फिर टाइम वेस्ट होता है, मतलब नीचे रिसेप्शन के पास। चलो चलो, ओहो कीड़े, चल बहन चल, बाय। दीपू सच में रुक गई है, देखो अब हाथ गंदे कर रही है फ्लोर पे टच करके। क्या लेकर आई है मायरा, बटरफ्लाई, क्यूट है ना। अब खाना खाओगे हैं, ब्रेकफास्ट करोगे, कीड़ों वाली थीम कर देंगे आपका बर्थडे इस बार। ठीक है, ठीक है भी बोल रही, मेरा दिमाग खराब है जो मैं कीड़ों वाली थीम करूं, ताकि ना फोटो खिंचवाए, ना कुछ करे, ना केक काटे। कैसा है मायरा, कैसा है बता दो तो। बटरफ्लाई फिर से आ गई, जाएगी काम वो आपसे दूर। रिप केज को अंदर खींचिए, ऊपर ले जाते रहिए, बाएं पैर को एक्टिवेट करना है ऐसे। 3, 2, 1 हाथ नीचे ले जाइए और दाहिना पैर पीछे ले जाइए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए, घुटने मोड़िए और फिर से बालासन में आ जाइए, सर को रिलैक्स कीजिए। मैंने नीचे जा रही रिसेप्शन पे बात करनी है, जंगल सफारी के लिए आधा घंटा हो गया है। जब ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं बात करके आई थी, मैंने बोला था कुछ कोई स्लॉट अवेलेबल हो तो आप बता देना, बट अभी तक उनका कुछ रिवर्ट नहीं आया है, क्योंकि फिर दो टाइमिंग है, सुबह 6 से 9, 6 से 9 वाला, तो वही मतलब 5 बजे उठना है, अगर 6 बजे निकलना है। मैं नहीं मायरा के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता 6 से 9 वाला। और दूसरा स्लॉट उन्होंने बताया था 2 to 5:30, तो मेरे को ये बिल्कुल सही लगा था। जैसे लंच करके निकल जाओ अपना, 1 बजे लंच स्टार्ट हो जाता है, 1:30-2 बजे तक निकल जाओ, और अपना डिनर से पहले पहले एंड शाम को चाय होती है 7 बजे, वो तो नहीं स्किप करनी, उससे पहले पहले आ जाओ। पूछती हूँ मैं उनसे क्या सीन है। ऐसा है कि हो रही है बाहर रेन, और धीरे 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 हो गया। वो कह रहे हैं वो जो सारे गई हुई हैं गाड़ियाँ सुबह वाले स्लॉट के लिए, वो आएंगी तो पता चलेगा कि आगे जो दोपहर वाला स्लॉट है वो जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि रात को बारिश हुई है, बट वो तब से ही हो रही है। हम बाहर तो गए नहीं, हम ब्रेकफास्ट करने गए अंदर ही अंदर, बट अभी मैं बाहर होकर आई हूँ तो मुझे पता चला है हल्की हल्की गीली हुई, मतलब वैसी नहीं, बट थोड़ी 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 बारिश हो रही है। अगर आज हो गई तो वो भी वरना फिर नहीं हो पाएगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, बड़े बड़े आलस इतना आ रहा, ऊपर से नींद भी आ रही है नाश्ता करके, तो जबरदस्त वाली थक गई। अपनी फेवरेट पिक्चर नमस्ते लंदन कितनी बार देखी थी जब लगी थी? 4-5 बार। अब मायरा और मैं खा रहे हैं ये न्यूटेला। ये वाली ट्रिप पे इतनी ज्यादा सुस्ती आ रही है ना सच में। हम लोग 8 बजे चले गए थे, 8 बजे ही लंच स्टार्ट था, मैं ब्रेकफास्ट का टाइम था, 8:15-8:10 तक हम नीचे चले गए थे। अब मैं आए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो गया है,
मेरे को इतना आला सा दीपू एंड मायरा तो वहाँ उस साइड नहा रहे हैं दोनों के दोनों। मायरा तो पिछले आधे घंटे से नहा रही है, अब दीपू भी चले गए नहाने। और मैं एडिट कर रही थी व्लॉग, इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, मतलब लिटरली मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। और हमारा सफारी का नहीं हो पाया, सोल्ड आउट है। और अब जो आज जानी थी बारिश की वजह से वो भी नहीं जा रही है, तो कल की अवेलेबल है बट कल हम नहीं कर सकते, सुबह नहीं कर सकते 6 से 9 की। और दोपहर में फिर अगर हम करते हैं शाम तक वाली तो हमें घर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, क्योंकि मंडे का मायरा का स्कूल भी है परसों, तो हम फिर नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम भी हमारी रह गई थी। और पता क्या, ये लोग बोल रहे हैं कि चांस, लक बाय चांस होता है, जरूरी नहीं है आपको सब दिखेगा। हाथी और डियर तो कह रहे दिखेगा, तो मैंने कहा हाथी डियर तो हम दिल्ली में भी देख लेंगे, उसके लिए हम नहीं जा रहे। और 8,000 रुपये हैं, तो मैंने कहा आप गारंटी लेते हो कुछ अच्छा एनिमल जैसे कुछ दिखेगा लैपेट वगैरह तो आप हमें बताओ। कहते मैम वो तो फिर कोई नहीं गारंटी ले पाएगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते, मूड के ऊपर है एनिमल्स के, वो निकलते हैं नहीं निकलते हैं। और बारिश में ऐसा होता है कि वो नहीं भी निकलते हैं। ऐसा लगता है भाई नहाने आए हैं, दीपू के पैर दिख रहे होंगे आपको, वो देखो ऐसे पड़े हुए हैं उधर की तरफ, और बस ये दोनों सिर्फ नहा रहे हैं। और दीपू वहाँ से पता क्या देख रहे हैं, नमस्ते लंदन। मायरा नहा लिए फाइनली 1.5 घंटे में, और अब मैं इसको रेडी वेडी करके खुद भी नहा के रेडी होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से, फिर हम जाएंगे लंच करने। होमवर्क अपना स्कूल का है ना मायरा, अच्छे से बैठो, क्रॉस लेग करके बैठो, क्रॉस लेग करो पहले। मायरा रेडी हो गई है, न्यू न्यू क्यू जी भाई चलो लंच करने। मायरा को बारिश हो रही है, इधर आ जाओ आ जाओ। हम 8,000 6 लोग जाते हैं, मतलब 6 पर्सन का 8,000 है, और हम 3 हैं, 3 के लिए 8,000 दें, हम कोई मतलब सेंस नहीं बनता। अगर 6 का है तो 6 ही, हमने बोला था शेयरिंग में किसी को भेजो, बट शेयरिंग में कोई मिल नहीं रहा। एक्चुअली सब बताऊँ तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले सुबह अवेलेबल नहीं थी, बट अब बारिश की वजह से ना लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो पहले अनअवेलेबल थी सुबह से, और अब बारिश की वजह से काफ़ी लोगों ने कैंसिल कर दी, तो अब अवेलेबल है लेकिन अब कोई जा ही नहीं रहा बारिश की वजह से। तो हम लोग अपनी गाड़ी से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, बस लंच करके अंदर आए हैं, ऊपर थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो चलते हैं घूमने। दोनों साइड जंगल, यहाँ से तो नहीं आते होंगे एनिमल। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग क्या होता है, शॉपिंग होता है, शॉपिंग करने जा रहे हैं। किस चीज की शॉपिंग? अपने कुछ ड्रेस लेने। ड्रेस लेने, यहाँ से ड्रेस लेने आए हो आप? हाँ जी। अभी हम सोचते हैं ना लंच करके ऊपर जाके सो जाए, नींद आ रही है तभी नहीं सोती, और अब देखो गाड़ी में बैठती सो गई है। देखो मेरे सर भी जंगल है घना एकदम, और यहाँ पर भी है, जिनके थ्रू मैं बुकिंग करके उन्होंने बोला है आप निकल जाओ स्लो, थोड़ी ड्राइव रखना, चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा दिखने के, डियर वगैरह तो दिख ही जाएगी, लैपर्ड वगैरह के चांसेस नहीं है, लक की बात होती है इसमें। वो कह रहे थे कई बार ऐसा होता है जो सफारी करने जाते हैं अंदर उनको भी नहीं दिखते हैं, बट कई बार बाहर मेन रोड पर भी आ जाते हैं, मैंने भी कई बार वीडियोज़ में देखा ऐसे रोड पर भी आ जाते हैं क्रॉस करते हुए, तो वो कह रहे हैं कि पूरा लक की बात है, आप 8,000 रुपये खर्च करके जाओ तब भी आपको ना दिखे, और आपको अपनी गाड़ी से भी दिख जाए। तो हम निकले एक उम्मीद से, क्या पता मिल जाए, देखते हैं। बाकी पूरा घना जंगल है, आप देख लो। मौलिक मेंशन, यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो हमने यहाँ पे स्टे करा था, द मौलिक मेंशन में, ऑलमोस्ट पिछली बार जिस होटल में रुके थे उसके आसपास आ गए, बिकॉज यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर होते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर एक्टिविटी भी है। एंड यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा उसका, एयर बैलून का, तो अभी दीपू पीछे पता भी करने गए हैं, शायद आ गए वो, देखो। बट आप देख सकते हो स्टिल बारिश हो रही है, और मैं सच बताऊँ तो पहले से ज़्यादा ही हो गई है, जब हम निकले थे तब इतनी नहीं थी, धीरे धीरे थी, अब आवाज़ भी सुनाई दे रही है और दिख भी रहा है कि ज़्यादा तेज़ है। अब देखते हैं दीपू क्या बताते हैं, क्या बोला? 200 मीटर ऊपर जाएगा, हाँ फिर नीचे आ जाएगा।
बस मैंने दिखाया है। मैं कहती ये वाला कैमल देख के कहती कैमल एलिफेंट थोड़ी, फिर दीपू ने गाड़ी आगे ली। ये देखो एलिफेंट थी पोतो की जानी है क्या जात। ऊपर बैठूंगी मैं, ऊपर बैठो, रेन हो रही है ना, कल आएंगे हम, ठीक है। देखो कितना बिग बिग है, देखो कैमल भी है। यस एलिफेंट को देखो। वापस आ गए हम। अभी तो आपने बोला था ऐसे कर रहे हूँ। चलो खा लो। मैं आधा घंटा सोई हूँ, बट सोते सोते ना मेरे दिमाग में चल रही थी चाय, कि भाई चाय नहीं मिस करनी, सोना है ऐसे भी, सोना भी है और चाय भी पीनी है। और ये देख लो पूल तो भैया हमारा एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता। और ये मैं आई हुई जो आप ये वाला लंबा वाला टेबल देख रहे हो ना, ये वाला ये इस पे चाय का सेटअप होता है, और चाय का नामो निशान नहीं है आज। मैंने कॉल दीपू कहते क्या पता आज ना हो, मैंने कहा कॉल करके बोल दूंगी ना, चाय चाहिए मुझे। होटल इतना मस्त है ना, इतना मस्त भी हो, बस ये है कि सर्विस, वैसे सर्विस ठीक है, बट आज जैसे रूम की क्लीनिंग के लिए चलो हो सकता है कि क्या नाम है इनका, आज चेकआउट बहुत सारे हुए, मैंने भी देखा 2-3 बस गई है, तो स्टाफ कह रहे थे बिजी है हमारा। तो शाम को जब हम आ गए ना वहाँ से, जब हम गए थे उसके बाद जाकर हमारा क्लीनिंग हुई, वैसे सब कुछ ठीक है, खाना वॉज टू गुड, ब्रेकफास्ट भी हमने ट्राई कर लिया, यहाँ का लंच भी ट्राई कर लिया, डिनर भी, सब कुछ बहुत अच्छा है। और एम्बियंस तो आप देख ही रहे हो, आ गया चाय के लिए कॉल, चाय नहीं अंदर है यार, दीपू को कॉल आ गया चलो भाई चाय रेस्टोरेंट में। लेकिन यार आज चाय पीने का मजा था। एक तो मुझे समझ नहीं आती मायरा के अंदर किसकी आदतें हैं, कीड़े पसंद है उसको, मुझे कीड़ों से इतना डर लगता है, एनिमल्स पसंद है उसको, मुझे एनिमल्स नहीं पसंद, मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, बस दूर से देख लिया ठीक है क्यूट है प्यारा है, मुझे ये नहीं होता छुओ उसको पकड़ो और पागल ही हो जाओ, वो चीज़ मेरे में नहीं है। अब इस पर कोई हेट कमेंट मत करना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट मायरा को इतने ज़्यादा पसंद है कि मायरा को ये होता है कि हाँ भैया हाथ में दे दो, अब देख लो ये देखो कितने सारे प्लांट व्लांट सब इकट्ठे कर रखे हैं पौधे, इसको ये भी पसंद है। क्या कर रहे हो, टक्कर क्यों मार रहे हैं। कि जो है ना सेटअप वो नीचे डाइनिंग एरिया में लगाया, बिकॉज शायद रेन की वजह से बस लगातार बारिश हो रही है सुबह से, कल हम हाथी राइड भी करेंगे दीपू अगर बारिश ना हुई तो। मेरा और डैडा का वेट करो, रुक जाओ। साथ चटनी खा रहे हो, चटनी के साथ पकौड़े खा रहे हो, पकौड़े दो दिए थे उतने ही है, चटनी है ही नहीं है प्लेट में है। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, अब जाके बारिश रुकी है, मतलब मुझे लग रहा है रात से हो रही है। मारे इधर से आओ जहाँ से डेढ़ जा रहे हैं। लो जी वो तो जिम में गए हैं, जिम क्यों जा रहे हो अभी, इस होटल में जिम भी है और वो टेबल टेनिस भी है, पूल भी है, बट हम लोगों को कुछ खेलना वेलना नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं गए। लो जी इसको बुला लिया उन्होंने, मैं भी जाती हूँ, मैं अकेली क्या करूँगी। पूल मतलब ये वाला स्विमिंग पूल नहीं, एक होता है पूल बोलते हैं, पूल बोलते हैं जो मैंने वहाँ पे खेला था कश्मीर में, गंदी सी गेम, ऐसे ऐसे करके जिसको डालना होता है स्टिक से, बॉल को गोल करना होता है, ऐसा कुछ होता है ना, सिर्फ टच करना है, मारना है नीचे की तरफ। फिर आप मेरी बात नहीं सुन रहे, चलो बच्चो पकड़ो पकड़ो, चलो भागो, ये बुला के लाई, आवाज आ रही फ्रॉगी की, और देखो सुनाई दे भी रही है। हाय मायरा मुझे दिख नहीं रहा, अब वो चुप हो गया, चुप मायरा मुझे डर लग रहा है, इधर आ जाओ मायरा काट ना ले, मुझे डर लग रहा है, अब नहीं आ रही देखो आवाज, चला गया लग रहा है। मैं इतनी दूर से देख रही थी, आप कहाँ पर जा रहे हो, आपको फ्रॉगी आ गई, ये मेंढक की आवाज सुनकर वहां चली गई थी बिल्कुल कोने में, वहां देखो वहां, अभी तो वहां बैठी हुई है वो ग्रुप के साथ, दिख रही है नहीं दिख रही, लाइट कैसे हो रही वहां वहां वहां, सब पता है क्यों बैठे हैं, बिल्ली के वजह से। आपको एक सरप्राइज दिखाऊं, आइस बंद करो,
दीपू कंफ्यूज हो रहे हैं, दिखाऊं दिखाऊंगा नहीं, पर एक बात है, एक सुनो, एक प्रॉमिस करो, ये लो सुनो, एक प्रॉमिस करो, जैसे ही देख लोगे फिर चलोगे, चलोगे बोलो, प्रॉमिस करो, पक्का उठाओगे तो नहीं उसको, चलो फिर चलो आराम से, डेडा का हाथ पकड़ो, सुनो डेडा का हाथ पकड़ो, आइज बंद करो, यार ये तो उसको छोड़ ही नहीं रही है, नहीं बट डिनर का टाइम हो गया है, नहीं है भूख, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, अच्छा मैंने फिकवाया, इतना रोई है, हाथ धुलवा दिए मैंने, अब डिनर कर लेते हैं, ज्यादा भूख मुझे भी नहीं है, फिर डिनर करके हम जाएंगे मायरा का फ्रॉगी पकड़ने, है ना, बोल दो सबको वेट करना फ्रॉगी का, ठीक है चलो देखते हैं डिनर में क्या क्या है, शॉर्ट देख लेना। एक्चुअली हम लोग बाहर ही थे, फिर हम लोग सबसे पहले आ गए, क्योंकि फिर अब डिनर करके ही एक बार ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि 8 बज ही गए हैं, डिनर बस लग रहा है, एक दो चीज़ें रह गई हैं जैसे कि वेज नूडल्स एंड रोटीज़, बाकी सब लग गए हैं, तो बस खाते हैं फिर निकलते हैं, ऊपर सो जाते हैं टाइम से, बिकॉज सुबह चेकआउट है तो हमें जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर पैकिंग तो मैं भी कर लूँगी, सुबह के कपड़े निकाल लूँगी जो भी पहने, नीचे आ जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में लगेज भी ले आएंगे, फिर डिनर करके ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। खाना खाने के बाद इसने, वैसे मैंने इसे प्रॉमिस करा था खाना खा लेना, मैं फ्रॉगी दिलाऊंगी, खाना खाने के बाद जो इसने लगातार मेरे कान में गाना गाया है ना, दीपू तो चले गए ऊपर चढ़कर, ऐसे गाना गाया है, मम्मा फ्रॉगी, मैंने रोटी खा ली, मम्मा फ्रॉगी दिलवा के लाई उसको, ढुलवा कर, चलो अब पता नहीं ऊपर क्या ही ड्रामा होगा, ना सोएगी ना कुछ करेगी, ऐसा बच्चा मेरा, कीड़ों का दीवाना, अच्छा इसको सांप नहीं दिख गया यार, वरना कहती मुझे सांप पकड़ा और लेके चलो, हो गया। मायरा आई ऊपर खेल रही थी, और फिर क्या हुआ मायरा, फ्रॉगी नीचे अंदर चला गया, मुझे दो। वो बेड के नीचे चला गया, अभी थोड़ी देर बाद निकलेगा, बुद्धू बन जाएगा, उसको लगेगा मायरा दीदी तो सो गई, फिर वो सोचेगा चुपके से चलो बाहर निकलता हूँ, है ना, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। यस, तो मेरा नाइट सूट कैसा लग रहा है, बहुत प्रीटी लग रहा है, बहुत प्रीटी लग रहा है, वेरी गुड। अपनी मम्मा पास जाएगा, बोलो सुबह मिलते हैं दोस्त, चलो आजो आजो आजो, ले आओ आराम से, ले आओ आजो इधर, ले आओ, आओ दरवाजा खोलो, चलो चलो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, बाहर छोड़ दो, हाँ यहाँ पे छोड़ दो, छोड़ दो यहाँ नीचे, नहीं नहीं यहीं पे छोड़ दो, वो चला जाएगा आगे से, छोड़ दो। मायरा के साथ तो भाई वो वाला हिसाब है कि खजूर से निकले और आसमान में टपके, इतनी मुश्किल से मैं इसको समझाकर फ्रॉक को छोड़कर आई हूँ, और मैंने कहा चल वॉशरूम करवा के इसको डायपर डाल देती हूँ, वॉशरूम में इसको तितली मिल गई वाइट कलर की, अब उसके साथ लगी हुई है, इसको भी ना कीड़े मतलब मिल जाते हैं यार, मैंने ये देखा है, देखो मायरा दिखा देना सबको, बटरफ्लाई, ये देखो बटरफ्लाई मिल गई, चलो